दोस्तों आज काम था नहीं, घूमने आए हैं, पूरी टीम आई है। देखो पीछे से जाकिर भाई, संदीप भाई, रविंद्र भैया और ये हमारे एक नेपाल के छोटा भाई भी है, नाम तो मुझे याद नहीं है दोस्तों, वो भी साथ में आ रहा है। आए आज मैं घुमाने के लिए लेके आ रहा है, ये यहाँ का लोकल ही है, यही रहता है। देखो नीचे जा रहे हैं दोस्तों, नीचे गाँव है, देखते हैं कहाँ तक हमें ये ले जाता है। दोस्तों यहाँ पर ना गोभी के खेत भी हैं, गोभी भी लगी हुई है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। उस साइड में सारे गोभी के खेत हैं दोस्तों। अरे जाकिर भाई आराम से आना, खिंचलोगे भाई। मैं तो पहाड़ी हूँ, मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे रास्ते में हम रोज सुबह शाम ऊपर नीचे करते हैं। कैसा लग रहा है रविंद्र भैया? चल तू मेरे को चिंता, मेरी चिंता मत रह। अरे यार आप मेरे साथ ही, यार आपकी चिंता नहीं करूंगा तो किसकी चिंता भाई, कहीं पता लगा नीचे खाई में चले गए फिर। आना नामुमकिन है मेरे नीचे से। क्यों? अरे नीचे तक तो चलते हैं। खट लग रहा नीचे। अरे कहाँ खट है यार, आओ। बगीचे सब इधर रह गए यार। अरे नीचे भी है बगीचे, है ना? नीचे बगीचे हैं, कुछ जंगल जंगल है सही में। अच्छा वो बगीचे जाना पड़ेगा, बगीचे के लिए। कहाँ, कितने नीचे? बहुत ही नीचे, खजने नीचे। हाँ अरे बगीचों में कोई जाने नहीं देगा यार, चलो इधर से नीचे घूम के आएंगे, रास्ता नीचे है बिल। अरे आओ यार, रास्ता नीचे से, ये बता रहा है ना, रास्ता नीचे से है। कहाँ का रास्ता? नीचे से ये खेतों, इधर बगीचों का। हाँ इधर गोभी है, अरे यार हमें पता है ना यार, आओ ना हमारे पीछे आओ। इधर गोभी है, गोभी, गोभी के खेत, अभी बड़े बड़े गोभी लगे हैं यार। ये देखो दोस्तों, ये है गोभी का खेत, ऊपर इधर देखो, दिखाई नहीं दे रहा यहाँ से भाई गोभी का खेत। जाएंगे ना, दिख जाएगा, जाना ही पड़ेगा उधर। आ जाओ ना, आ जाओ यार। अरे उधर ही आराम आराम से आना भाई, नीचे तो जंगल है। अरे कहाँ तक है ये? तो पूरा जंगली जंगल है, जंगल जंगल है, वहाँ जाएंगे ना ऊपर, है ना रास्ता उधर से। चल आ जा फिर। अरे मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हूँ ही पहाड़ी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो यही रास्ते में चला हूँ। वो संदीप भाई और वो जाकिर भाई आ नहीं पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि डर लग रहा है उनको, इधर ऐसे रास्ते उन्होंने पहली बार देख रहे हैं, वो आए नहीं है ना पहाड़ों में, इस वजह से डर लग रहा, नहीं आए ऊपर ही बैठ के। देखो मैं हूँ, रविंद्र भैया है, और वो पीछे देखो भाई लोकल ही बंदा है, नेपाल का है, लेकिन यहीं रहता है, यहीं बस गया अब हिमाचल में, वही दिखा रहा है मैं। इस साइड में दोस्तों गोभी के खेत हैं पूरा, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो नीचे कोहरे से कुछ दिख नहीं रहा है, ये देखो दोस्तों पूरा कोहरा लगा हुआ है। चल 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 चल, रास्ता है ना। हाँ इस बगीचे से चलेंगे, कोई मारेगा यार बगीचे में, ऐसे कैसे जाएं? मारता, क्यों मारेगा? कितने सेब लगे हुए बगीचे में, कुछ नहीं होता, आ जाओ क्या करेंगे। ये पूरा सेब का बगीचा है, ये है किसका ये बगीचा? बगीचा है किसका? वो कहेगा नहीं हमें क्या कर रहे हो भाई तुम बगीचे में। कुछ नहीं कहता है, वो आता ही नहीं घर को। अच्छा ज्यादा पैसे वाला है लगता है, पैसे वाला बंदा है, नौकरी वाला है, सरकारी। अच्छा हाँ दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको, सेब का बगीचा, बहुत बड़ा बगीचा है दोस्तों, बहुत नीचे तक हम आ गए हैं अभी। वाह भरा भरा, कहाँ है भाई भरा? भरा भरा देखो ना, हाँ हरा भरा तो है भाई। रविंद्र भैया चलो थोड़ा उधर तक चलते हैं, आगे तक। हाँ बगीचे वाला कुछ नहीं कहेगा ना? ना ना कुछ नहीं कहता, क्या कहेगा। आ गए हैं दोस्तों सेब के बगीचे में, ये देखो बहुत सेब लगे हैं दोस्तों, ये देखो दोस्तों। अबे भाई यहाँ तो कीचड़ है भाई, बहुत बड़ा बगीचा है दोस्तों ये सेब का। पेड़ भी टूटे हैं, बारिश हो रही है ना लगातार यहाँ पर, आज बारिश की वजह से माल हमारे पास कम था, इसीलिए हमें घूमने का मौका मिल गया दोस्तों। ये भाई हमें लेके आए थे बगीचे में, ये देखो दोस्तों कितने अच्छे सेब लगे हुए हैं, बड़े बड़े सेब, ये देखो। कहाँ पर है गोल्डन का पेड़?
दोस्तों गोल्डन का पेड़ भी दिखाता हूँ मैं आपको, जिसमें जो हरे सेब लगते हैं उसमें बहुत अच्छा होता है दोस्तों। ये देखो ये है गोल्डन का पेड़, ये है दोस्तों गोल्डन का पेड़ देखो, हरे सेब। ये हरा ही होता है दोस्तों, ये लाल नहीं होगा क्योंकि ये सेब की वैरायटी हरी है। बगीचे के बीच में आए हैं दोस्तों, बहुत बड़ा बगीचा है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जगह में फैला हुआ है ये बगीचा। चले आप चलते हैं गोभी के बगीचे में, चलो फिर। कीचड़ है भाई यहाँ पर, पानी पानी है। आ जाओ भाई रविंदर भैया, ए रविंदर भैया आ जाओ। लेकिन बहुत बढ़िया जगह में है यार ये बगीचा, पूरा एक ही का बगीचा है ये, एक ही का है ये। इसमें तो बहुत सारा सेब निकलता होगा यार, है ना? इसकी देख रेख कौन करता है? वो रहते इधर कर जो ऊपर नहीं रहते। हाँ वो रख, कुत्ते बांध कर रखे हुए ना अभी। ये कुत्ता दिन रात यहीं पे रहता है? नहीं ये अभी रहेगा शाम 6 बजे तक। ये तो कोई नहीं बगीचे देखो तो मेरा ना जाना। बहुत बड़ा बगीचा है यार ये देखो दोस्तों, देखो नीचे से लेके ऊपर तक ये सेब का बगीचा है, बहुत ज़्यादा जगह में फैला हुआ है। एक कुत्ता भी बांध रखा है दोस्तों नीचे। अरे आ जाओ भाई। ये घर किस लिए बना रखा है? इधर लेबर रहते हैं, लेबर रहते हैं इधर। हाँ तो घर चल गया, अभी जब सेब की तोड़ने की बारी आएगी तब आएंगे ना। इधर तो छोटी गोभी है ना? सूरजमुखी का फूल ये है दोस्तों, देखो सूरजमुखी का फूल, बगीचे में फूल भी लगा रखे हैं। आ जाओ रविंद्र भैया, अच्छी जगह लाया यार तू, ऐसी जगह लाया कर ना हमें घुमाने के लिए, अच्छा लग रहा है यार, ऐसा मन कर रहा दोस्तों यहीं बगीचे में ही अपना घर हो, बगीचे में घर हो और ताज़ा ताज़ा सेब खाते रहो, है ना रविंद्र भैया? अब हमें यहीं करनी पड़ेगी भाई, हमें भी बोलते हैं आज बाबूजी को बगीचा लो, यहीं बगीचा लो परमानेंट, यहीं रहे हैं हम अब पहाड़ों में ही। है? बढ़िया है ना पहाड़। और क्या, जाकिर को और संदीप भाई को यहाँ आना चाहिए, यहाँ नहीं आई, दो तीन बार और आएंगे यार यहाँ। हैं जब इनकी, जब ये तोड़ेंगे ना सेबों को तब भी आएंगे, ठीक है? रास्ता कौन सा खराब था, थोड़ा खींचा था? कुछ नहीं यार, ये रास्ते तो भाई हम तो, मैं तो चलता ही हूँ ना पहाड़ों में ही, मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा संदीप भाई और जाकिर भाई को, वो पहली बार आए ना पहाड़ों में। देखो बढ़िया दोस्तों आ गए हैं गोभी के बगीचे में, बहुत बड़े बड़े गोभी लगे हुए हैं। फूल गोभी है, बंद गोभी है? ये बंद गोभी है दोस्तों, ये देखो ये बंद गोभी के बगीचे में आ गए हैं, अभी छोटी है, कोई बड़े हैं कोई छोटे, देखो गोभी के बगीचे में। कैसा लग रहा है रविंद्र भैया, अच्छा लग रहा है? हमें तो ठीक ही है। चल इस साइड में दोस्तों फूल गोभी के बगीचे है, इस साइड में बंद गोभी थी, इस साइड में फूल गोभी है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ज्यादा तो है ही नहीं, दस जाना चाहते ना, दस जाओ जाओ। आलू भी लगा रखा है इधर तो। ये है दोस्तों
फूल गोभी का बगीचा, ये देखो अभी छोटे ही हैं दोस्तों फूल गोभी, अभी बड़ी नहीं हुई, इसमें अभी 15 से 20 दिन लगेंगे बड़े होने में। बहुत अच्छी जगह लेके आए यार तू आज हमें घुमाने के लिए भाई, कितने सेब लगे हैं दोस्तों बगीचे में, सेब ही सेब, आदमी खाएगा अभी तो कितना खाएगा, 2-4 सेब खा सकता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे सेब लगे हुए हैं, बहुत बड़ा बगीचा है दोस्तों ये। रविंद्र भैया हमारे फोटो खींच रहे हैं, भाभी को भेजेंगे, पहाड़ में से देखो लगे हुए हैं खींचने में, वाह भाई स्मार्ट लिख रहे हो, लेकिन सिर में तो आपके बाल है ही नहीं है रविंद्र भैया। रविंद्र भैया ने बहुत सारे फोटो खींच लिए, खींचते आ रहे हैं फोटो, अबे आ जाओ, हो गया बहुत फोटो खींच लिए आपने। संदीप भाई और जागीर भाई नहीं आए दोस्तों, यही जगह थी उनको देखने लायक, बहुत अच्छी जगह दोस्तों, एक बार और आएंगे दोस्तों, फिर दोबारा भी बनाऊंगा मैं यहाँ पर ब्लॉग, दिखाऊंगा उस दिन जाकिर भाई और संदीप भाई को भी लेके आऊंगा साथ में, आए नहीं है उधर ही बैठ गए, डर लग रहा था दोस्तों उनको, बोल रहे थे हम नहीं आएंगे कहीं नीचे पहाड़ी में फिसल जाएंगे, एक तो बारिश भी हो रही है यहाँ पर, बहुत अच्छी जगह लेके आया हमें भाई तू, और आएंगे हाँ 2-3 बार हम इधर, ठीक है ना, आएंगे। हाँ यही करते हैं इनका देखभाल। हाँ। अच्छा मुर्गा पाला देखो, लोकल मुर्गा इधर, इधर इधर देखो दोस्तों इन्होंने मुर्गी भी पाल रखी है, ये बेचेंगे ये हैं, बिकाऊ है, कितने हैं, 1-2-3-4 है ना, यही दोस्तों ये बगीचे की देखभाल करते हैं, अभी है नहीं कोई यहाँ पर, कहाँ के हैं, नेपाल के, नेपाल के, अच्छा ये भांग का पेड़ भी है यहाँ पर, ये देखो दोस्तों ये भांग का पेड़, खुशबू आ रही है भांग की भाई, शिव जी की बूटी है ये, बगीचा देख के आ गए हैं दोस्तों, संदीप भाई जाकिर भाई पहुंच गए हैं आगे, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं रोड में, कर रहे हैं बारिश आने वाले है, अब बारिश भी बूंदा मादी आने लग गई है, नहीं नहीं। अब चलते हैं दोस्तों ऑफिस में। हाँ हाँ। कैसा लगा तुझे बगीचा, तूने तो पहले ही देखा ही है भाई, क्या मैंने तो पहले है ना, एक बार और आएंगे हैं ठीक है बगीचा देखने के लिए, अच्छा, तब तक पूरा कलर आ जाएगा ना। हाँ, उस तो कलर। हाँ कितने टाइम के बाद तोड़ेंगे ना ये तोड़ेंगे जी, 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद सितंबर के, सितंबर जब इनकी तोड़ाई होगी ना, पहला सितंबर से जब ये तोड़ेंगे ना तब बताना है, तब भी इधर आएंगे ठीक है, और नीचे तक है ना, हाँ जाएंगे भाई नीचे भी जाएंगे। आलू का पेड़ ही बहुत जबर था, आलू का आलू है, ये सब आलू होते हैं, दवाई खाना नहीं होती है।